सर लगातार सरकार पे आरोप लग रहा है कि सीबीआई आईटी का उपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ये आरोप तो सरासर असत्य है। आखिर चाहे शारदा हो, नारदा हो वेस्ट बंगाल में या बिहार में, जिस तरीके से साक्ष्य मिल रहे हैं, सारे साक्ष्य, सीबीआई एक अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ईडी अपना काम करती है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब अगर बेनामी संपत्तियां मिल रही हैं, अगर 38 जगह कर्नाटक में छापे पड़ रहे हैं, 11 करोड़ मिल रहा है, तो निश्चित तौर से ये कार्रवाइयाँ निष्पक्ष रूप से हो रही हैं और ये हमेशा होती आई हैं। अब ये लगता हो विपक्ष के पास, आखिर विपक्ष को अपने जनता के बीच में जाना चाहिए। आज कहीं उन्हें जनादेश नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है। तो अब केवल ये कहना कि सीबीआई का, ईडी का, एजेंसीज का दुरुपयोग करें, ये पूर्णतया गलत है, निराधार है। ममता का कहना है कि हम अपना जीवन त्याग देंगे लेकिन बंगाल बटने नहीं देंगे, दार्जिलिंग मुद्दे पर। नहीं देखिए, अब उन्होंने राज्य का अपना कोई स्टैंड लिया है। अब इस समय जिस तरीके से बंगाल में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके मंत्री करप्शन के चार्जेज में जिस तरह से विंडिक्टिव हो रहे हैं, तो वो उधर से ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बातें कह रही हैं। आखिर वो बंगाल, दार्जिलिंग के लोगों को भी खुश रखना, दार्जिलिंग के लोग तो बंगाल के हिस्सा थे, आखिर क्यों आज अलग की मांग कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ममता दार्जिलिंग के साथ पक्षपात कर रही, उपेक्षा कर रही, इसलिए इस तरह की मांग उठ रही है। भैया कुछ